जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है राकेश। Realme X7 Pro मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन, और सही बताऊं तो इस फोन के लिए मैं खुद भी एक्साइटेड था। रीजन ये था कि इसके अंदर ना कुछ स्पेसिफिकेशन इतने तगड़े तगड़े थे, और फिर Realme ने भेज दिया मेरे पास Realme X7 Pro। हालांकि वीडियो मैं शाम को दे रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा और भी ज्यादा एक्साइटेड था इसका प्राइसिंग क्या होने वाला है। तो प्राइस आ चुका है, स्पेसिफिकेशन सामने है, थोड़ा बहुत मैंने टेस्ट कर दिया इनिशियली, जो भी मुझे जैसे मिला वो सब आपको बताता हूँ इस वीडियो में। लेकिन रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, 1 मिलियन तक जाना है। तो सबसे पहले ऐसा क्या है इसके अंदर जो सुपर एक्साइटेड है। MediaTek Dimensity 1000 प्लस 5G। अब ये 5G की खासियत ये है कि एक तो डुअल 5G सपोर्ट करता है और काफ़ी सारे 5G बैंड को सपोर्ट करता है, और साथ में मैंने नोटिस किया मैं इसमें जियो सिम यूज़ कर रहा हूँ जब से टेस्ट कर रहा हूँ। सैडली इसी टाइम नहीं आ रहा है 4G प्लस तो मैंने नोटिस किया, अभी कल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें कैरियर एग्रीगेशन यानी कि 4G प्लस शो कर रहा है, ये प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन हिंदी के लिए एक दबाएं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ईमानदार वाला कॉल रिकॉर्डर यानी कि गूगल डायलर मिलेगा। तो प्रोसेसर पावरफुल है, उसके बाद डिस्प्ले में जो नंबर आता है तो डिस्प्ले में भी यहाँ पर कोई ऐसे कमी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 6.55 इंच की ये एक सुपर एमोलेड फिर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, और साथ में काफ़ी ब्राइट है, मतलब डे लाइट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। 800 निट्स ऑन पेपर की बात करें और मैक्सिमम 1200 निट्स तक जा सकता है, तो यहाँ पर डिस्प्ले की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है और एमोलेड भी मिल जाता है, 120 हर्ट्ज मिल जाता है, डुअल स्पीकर है। तो ऐसे काफ़ी लाउड है, और थोड़ा मैंने नोटिस किया ट्रेवल ज़्यादा है साउंड में, मतलब बेस को कम ट्रेवल को ज़्यादा, ऐसा मिला के लाउड साउंड है। ये सारा काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगता है, और टाइपिंग के टाइम हैप्टिक एक्सपीरियंस भी दे रखा है। अब ये हैप्टिक एक्सपीरियंस वही, मतलब कैसे बताता था, अंदर से ठक ठक का जो फील आता है। हालांकि जिस रेट में ये फ़ोन आया उसमें सबसे बेस्ट हैप्टिक एक्सपीरियंस नहीं है ये, और मेरे पास इन्होंने ऐसे काले रंग का भेजा हुआ है, मतलब डार्क ब्लैक, एक्चुअली इसका नाम है मिस्टिक ब्लैक, और मिस्टिक ब्लैक से ज़्यादा मैं इसको नाम देना चाहूँगा, सुपर क्लीन ब्लैक कलर, शाइनी ब्लैक, और ये ग्लास बैक है। और बाय द वे अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो साइड में जो फ्रेम है ये प्लास्टिक का है। मैं इतना ही कहूँगा इसके बारे में कि ये जो कलर है, अगर आप एकदम सिंपल सा डिज़ाइन पसंद करते हैं, क्लीन सा, मतलब कुछ भी स्पेशल ना हो, तो ब्लैक कलर काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं तो उनको पसंद आएगा। अब मेरे लिए जो इसका दूसरा कलर आता है ना, जिसको मैंने एक और मैंने वीडियो दिया था ना आपको, वहाँ पर मुझे वो कलर ज़्यादा बेटर लगा। हालांकि उस पर डेयर टू लीप ऐसे बड़ा बड़ा सा लिख दिया है, वो थोड़ा सा लगता है अलग, जो पसंद के ऊपर आपके, बट इन दोनों में से अगर मुझे एक सेलेक्ट करना होता, थोड़ा मैट फिनिश में भी आता है ये, अगर मैट फिनिश में होता और ज़्यादा अच्छा लगता, तो ये डिपेंड करता आप कौन सा कलर पसंद करते हैं। लेकिन मुझे रियलमी की दो बातें अच्छी लगती है, एक तो पहला मैंने देखा कि ये लोग थोड़ा कस्टमर की सुन लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि एमोलेड डिस्प्ले की डिमांड होती है तो वो ऐड कर देते हैं अपकमिंग फ़ोन में, या फिर ये उस लिस्ट में आ जाते हैं कि जो हैंडी स्मार्टफोन बनाते हैं। मतलब ये देखो अपना 6.55 इंच के होने के बावजूद भी हैंडी से ज़्यादा भारी नहीं है, 185 ग्राम के राउंड, और इस बार थोड़ा बॉक्स को भी इन्होंने ऐसे स्टैंडर्ड वाला बना दिया, सही लगा मुझे। बॉक्स डिज़ाइनिंग की बात करें तो वैसे डब्बा तो नहीं यूज़ करोगे आप, बट हाँ डब्बा अच्छा होना चाहिए तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अंदर वही एक ट्रांसपेरेंट कवर है 65 वोल्ट का, एक फास्ट, सुपर फास्ट बोलूँगा मैं, चार्जर है, और एक 3.52 टाइप सी कनेक्टर, क्योंकि इन्होंने भी निकाल दिया भाई, टाइप सी से दुश्मनी चल रही है सबको, और इवन मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी नहीं है, यहाँ पे दो सिम ही लगेंगे। तो ऑन पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, इसीलिए मैं भी एक्साइटेड था और आप भी थे, जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे प्रैक्टिकल लाइफ भी कुछ चीज़ होती है, जैसे इसका 1000 प्लस डायमेंसिटी है ना, तो ये अंतुदु स्कोर वगैरह तो काफ़ी तगड़े लेकर जाता है, 855 प्लस से कंपैरिजन करते हैं कुछ मामले, ऊपर नीचे बोला जाता है। तो मैंने देखा हाँ फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो सब कुछ ऐसे मस्त सा चलता है। लेकिन एक बात याद रखना आपको, मैंने नोटिस किया जब भी आप हैवी काम करेंगे लॉन्ग टाइम तक, गेमिंग वगैरह आप करके देखो सब कुछ सही है, यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा है। लेकिन अभी इस प्रोसेसर को थोड़ा और स्टेबल होने की ज़रूरत है। मेरे कहने का क्या मतलब, अगर आप हैवी काम ज़्यादा देर तक करेंगे तो हल्का सा थ्रोटल करने के चांसेस रहते हैं इसको अभी जैसे स्नैपड्रैगन 865 वगैरह है ना, वो और ज़्यादा बेहतर स्टेबल प्रोसेसर है। बाकी हाँ इतना कह सकता हूँ कि प्रोसेसर पावरफुल है, मैं इसको थोड़ा और टेस्ट करना चाहूँगा डे टू डे लाइफ में, बैटरी के साथ कैसा ऑप्टिमाइजेशन है, 4500 mAh की बैटरी है, तो सारा कुछ मैं आपको टेस्ट करके और अच्छे से बताऊँगा।
एंड कैमरा का नंबर आता है तो 64 मेगापिक्सल, दोबारा काफी टाइम बाद ये सेंसर देखा है। सोनी IMX 686 64 मेगापिक्सल। 682 से डिफरेंट क्या है कि ये 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और वो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। और ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, काफी सारे ऑप्शंस है, ब्लर वाला ऑप्शन है, ऐसे कलर चेंज करना हो या फिर आपको मूवी मोड है स्पेशली जिसमें आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली वीडियो रिकॉर्ड करने में काम आता है, ऐसे मस्त सा प्रो वीडियो बोल सकते हो आप। बाकी फोटोज क्वालिटी कैसी है बाकी चीजें तो एक साइड में, क्योंकि आप फोटोज सबसे ज्यादा क्लिक करने वाले, तो यहाँ पर डायनेमिक रेंज में मुझे कोई ज्यादा ऐसे कमी नहीं लगी, काफी बैलेंस लगा, डिटेल्स भी अच्छी है। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया कि जैसे ये ना थोड़ा सा जैसे कि ह्यूमन फेस पे मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा कलर्स को ऑफ कर देता है कई बार, या फिर फूल पत्तियों पे यानी कि जहाँ ग्रीन वाला काम जैसे सब देख रहे हो आप ना, या नेचर की फोटोज़ आप क्लिक करते हो तो उसको थोड़ा बूस्ट कर देगा। परफेक्ट सा जो कलर आता है वहाँ पर थोड़ा अभी इसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगी मुझे, ऐसा थोड़ा सा लगा। बाकी डिटेल वगैरह में या डायनेमिक रेंज में मुझे कोई कमी नहीं लगी मेन कैमरे में। एंड जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया हुआ है, ये डेफिनेटली यहाँ पर 12 हो सकता था क्योंकि डे लाइट में अच्छी रोशनी में तो बढ़िया फोटो आएंगे, लेकिन लो लाइट में आप जाओगे तो भाई ये 8 मेगापिक्सल आपको क्लियर फील कराएगा कि 12 वगैरह होना चाहिए था स्पेशली इस फोन में। एंड 32 मेगापिक्सल सेल्फी, तुरंत मैंने टेस्ट किया फोन आते ही, कि जैसे रियलमी 7 प्रो में था ना डायनेमिक रेंज बाद में सेट किया गया था, शुरू में दिक्कत थी, बट यहाँ पर डायनेमिक रेंज बैलेंस देखो पीछे से कितनी धूप आ रही है, चाहे वो पोर्ट्रेट मोड हो चाहे वो मेन मतलब नॉर्मल तरीके से आपको डायनेमिक रेंज बैलेंस मिल जाता है। एंड ये है जंगल और ये ब्लर वाला ऑप्शन है, रियलमी काफ़ी टाइम से अपने स्मार्टफोन में देता है। लास्ट टाइम 7 प्रो मैंने देखा था ऑडियो और वीडियो थोड़ी मिसमैच हो रही थी, बट आई एम श्योर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप देख सकते हैं, बाकी मैं तो बाद में चेक करूंगा ही। बाकी ये सेल्फी कैमरे की वीडियो है, यहाँ पर आपको ना एक EIS का ऑप्शन भी मिल जाता है, थोड़ी क्रॉप हो जाएगी वीडियो, बट हाँ थोड़ा मुझे लगता है सेल्फी वीडियो में डायनेमिक रेंज, पीछे आप देख सकते हो ना पीछे पेड़ है, मेन कैमरे से दिखाई दे रहा है ना, तो सेल्फी कैमरे में थोड़ी डायनेमिक रेंज इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा सा कैमरा सेटअप है, डेफिनेटली कुछ थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी कैमरे में, जो मुझे लगा इनिशियली मैं आपको बता रहा हूँ कैसा लगा। और एक ही वेरिएंट में मिलने वाला आपको, यहाँ पे रैम की कोई कमी नहीं है, 8GB का रैम है, 128GB इंटरनल है, और टेक्निकली आपको पता होना चाहिए कि ये LPDDR4X रैम है और UFS 2.1 स्टोरेज है, और UFS 3 इसमें नहीं भी हो सकता है क्योंकि जो Dimensity 1000 प्लस प्रोसेसर है ना ये UFS 2.2 ही सपोर्ट करता है मैक्सिमम। और इसका जो प्राइस है वो है 29,999 यानी कि ऑलमोस्ट 30,000 रुपये का फ़ोन है। अब 30,000 रुपये का फ़ोन, वही मैंने कहा था Xiaomi Realme से हमें थोड़ी सी उम्मीदें होती है ना कम प्राइस में ज़्यादा चीज़ें मिल जाए मज़ा आ जाता है, नहीं तो Samsung होते Oppo Vivo तो आपको ही पता है कि और ज़्यादा ही प्राइस लेते हैं हमसे। और जो इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है वो मुझे इतना तो पता था, कई सारी स्पेसिफिकेशन थोड़ी हाई लेवल की है, कई सारी नॉर्मल मिड रेंज वाली है, लेकिन मुझे लगा कि जैसे कि इसका प्राइस 25 से नीचे तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतना भी नहीं था कि 30 आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा प्राइस कम होना चाहिए था। हालांकि 2000 रुपये का डिस्काउंट वगैरह है ICICI क्रेडिट कार्ड पे, लेकिन सबके पास वो कार्ड भी नहीं होता। आपको कैसा लगा प्राइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये था मेरा मतलब जो मुझे मिला इनिशियली, मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की, बाकी थोड़ा और टेस्ट करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।